अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला कि हम ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम करेंगे ये कि जो टर्मिनोलॉजी हमने, जिनकी माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल्स जिनमें वोकैबुलरी और इससे एसोसिएटेड टर्म्स थी, उनको यूज करना देखेंगे, उनकी फर्दर एग्जाम्पल देखेंगे। तो जो करेंगे हम ये कि हम स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। पहले हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में सारा कुछ स्टडी करेंगे, फिर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में इसको स्टडी करेंगे। जो चीज़ आपके करने वाली है वो ये कि आपने वो कंडीशंस को नोट करना है कि किन कंडीशंस में कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या कौन सा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज होता है। अब तक आपको ये पता चल गया हुआ है कि स्टेटिस्टिक्स, जो कि डिसीजन मेकिंग की साइंस के बहुत करीब का सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट किस तरह से रियल लाइफ एप्लीकेशन में आपको हेल्प करेगा। इन दिनों आप लोग मुख्तलिफ जो वीडियोस बना रहे हैं, मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इकोनॉमिक्स हो, इन सारे सब्जेक्ट में आप स्टेटिस्टिक्स को की पोजीशन पे देखेंगे। एंड ऑल द टर्मिनोलॉजी वी स्टडी इन दिस कोर्स इज वेरी वेरी रेलिवेंट व्हेन वी टेंड टू अप्लाई मैथमेटिक्स एंड वी टेंड टू स्टडी इवन द फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पार्ट where we study finances is closely related to this course of probability, because when we tend to plan for the future we tend to look at the possibilities, we tend to look at the chances, so probability becomes very relevant. This lecture is very easy in one sense that this is actually application or the reminder of what you have already known. For example, this is the caption, special probability distribution. So there should be absolutely no doubt in your mind what is probability distribution. This means I am talking about a discrete random variable, and with this discrete random variable I will associate a probability distribution. जिसको हम distribution function, जिसको हम probability function भी बोलते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, वी कॉल इट डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। दिस टर्म सजेस्ट दैट द वेरिएबल अंडर स्टडी इज डिस्क्रीट एंड अ वेरिएबल व्हिच इज हुज डिस्ट्रीब्यूशन हुज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, वी कॉल इट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। एंड हाउ वी गो अबाउट इट, देखिए ये कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 ओवर के के बराबर है और रैंडम वेरिएबल के पास के ऑप्शन है x1 से लेके xk तक। ये स्मॉल x दिस इंडिकेट्स द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस कैपिटल x। ये जो रैंडम वेरिएबल x है इसकी जो वैल्यूज है इनको हम स्मॉल x से लिखते होते हैं। अब गौर कीजिए, ये वाली जो आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर के, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज एक्चुअली दिस इज ग्रेटर देन 0, ओके। अब फिर एक चीज आपको और करनी है, इफ यू सम दीस टर्म्स अप you must have one, ताकि probability distribution की जो conditions हैं वो satisfy हो जाए। तो आप इसको check कीजिए, अगर आप x1 रखेंगे तो 1 over k, x2 रखेंगे तो 1 over k, और 1 over k को आपको k times add करना है, you will end up having one। तो ये वाली बहुत ही simple सी probability distribution है, uniform distribution। इसमें दोनों हमने properties को verify किया है। अगर आपको कोई भी probability, कोई भी ऐसी सिचुएशन मिलती है जिसकी कंडीशन इसके साथ मैच करती हैं, यू विल बी अप्लाइंग डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आगे चलते हैं, इफ यू हैव सच अ सिचुएशन वेयर यू हैव ओनली टू सिचुएशंस, इफ समथिंग इज हैपनिंग और नॉट, या सक्सेस या फेलियर का कॉन्सेप्ट है, हेड या टेल का कॉन्सेप्ट है, यू मेक एन एक्सपेरिमेंट ओनली वंस विद टू पॉसिबल चांसेस, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह से जो रैंडम वेरिएबल होगा उसको हम कहते हैं बर्नौली रैंडम वेरिएबल। जो इसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं वो है एफ ऑफ एक्स थीटा, थीटा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड दिस इज थीटा टू द पावर एक्स टाइम्स 1 माइनस थीटा टू द पावर 1 माइनस एक्स। अब गौर कीजिए, दिस इज प्रोबेबिलिटी, सो दिस टर्म थीटा इज ग्रेटर देन 0 टू द पावर एक्स, एक्स इज आइदर 0 और 1, सो देयर इज नो चांस कि ये जो सारी प्रोडक्ट है ये कभी भी नेगेटिव हो, this is always greater than or equal to 0, और क्योंकि x की दो possible values हैं 0 और 1, तो ये गौर कीजिए 0 to the power theta to the power 0, और ये आ गया 1 minus theta, and over here I will have 1 plus theta to the power 1, and then 1 minus theta to the power 0, तो यहाँ पे ये वाली term vanish हो जाएगी, and we will be left with 1 minus theta, और इस side पे ये पूरी
theta plus theta and the answer I obtain is 1. So इसका मतलब ये है कि probability distribution की दोनों conditions को satisfy करता है. तो इस तरह के scenario को हम कहते हैं कि this is जो random variable है, that is Bernoulli random variable and the distribution is Bernoulli distribution. अब ये सबसे famous distribution है discrete random variable के केस में, the binomial distribution. अब ये किन कंडीशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने यूज करनी है, किन इसके जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे डिराइव करते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. तो हम थीटा को कह लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड सिंस सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1, तो अदर देन थीटा दिस 1 माइनस थीटा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. किन कंडीशन में हम ये यूज करेंगे, जब ट्रायल फिक्स हो, आपको पता हो कि कॉइन मैंने फेंकना है तो कितनी दफा फेंकना है, ये जो भी मेरे पास सिचुएशन है वो कितनी दफा वो एक्सपेरिमेंट रिपीट होगा. ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. जैसे आप कॉइन को फेंकते हैं तो दो आपने कॉइन को फेंका, हेड आया या टेल आया, नेक्स्ट टाइम फिर आपने कॉइन को फेंका, हेड आया या टेल आया, तो जो दो दफा फेंकने का प्रोसेस है दे आर नॉट रिलेटेड. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जिस तरह से आप जब कॉइन को फेंकते हैं तो हेड आने के चांसेस, जितने आने के चांसेस पहले थ्रो में है उतने ही हेड आने के चांसेस दूसरे थ्रो में है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट एंड देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स. दो ही चांसेस हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, सक्सेस होगी या फेलियर होगी. जब ये वाली सिचुएशन हो तो इसके लिए हम ये जो चारों कंडीशन अगर पूरी हो रही हो तो फिर हम जॉनसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे डेवलप किया जाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं. अच्छा, और कीजिए कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट को एन टाइम्स रिपीट करते हैं और हर टाइम जब आप वो एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके पास दो ऑप्शन हैं, तो मैंने किया ये, मैंने कि एन ब्लॉक्स बना लिए. ये पहले ब्लॉक को फिल करने के, इसके मतलब हेड या टेल मेरे पास दो ऑप्शन है, दूसरे के लिए भी दो ऑप्शन है, तीसरे के लिए भी दो ऑप्शन है, एंड सो ऑन, एनथ के लिए भी दो ऑप्शन है. तो इसका मतलब ये कि अगर ये इसको मैं कह रहा हूँ कि ये एक टास्क है और इसके एन सब टास्क हैं, तो ये पहला टास्क दो वेज में कंप्लीट हो सकता है, दूसरा टास्क दो वेज में कंप्लीट हो सकता है, तीसरा टास्क दो वेज में कंप्लीट हो सकता है. तो जो प्रिंट जो रूल ऑफ प्रोडक्ट मैंने आपको पढ़ाया था उसके तहत ये 2 to the power n times, 2 to the power n ways में ये सारे ब्लॉक्स जो हैं वो फिल हो सकते. तो इसका मतलब ये कि जो पॉसिबल आउटकम्स हैं दे आर 2 to the power n. अब हम आगे चलते हैं यहां से कि उस वक्त क्या होगा जब सक्सेस बिल्कुल ना हो. ये ध्यान में रखिएगा, इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब अब सिर्फ फेलियर की पॉसिबिलिटी है. सो प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर n फेलियर्स, और क्योंकि इवेंट्स आपके जो है इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट इवेंट में होगा क्या कि ये जो प्रोबेबिलिटीज है ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी. So this is probability of f, probability of failure times probability of failure and so on, probability of failure. तो क्योंकि आपकी probability of failure 1 minus theta है, so you will end up having 1 minus theta to the power n. अब उस वक्त क्या होगा, आगे चलते हैं, उस वक्त क्या होगा जब एक success हो. अब अगर ये n आपके पास options है तो एक success आपकी पहली position पे हो सकती है, दूसरी पोजीशन पे हो सकती है, तीसरी पोजीशन पे हो सकती है, या मुमकिन है लास्ट पोजीशन पे हो. तो अब वो एक सक्सेस है कितनी चॉइसेस में से, तो अब क्योंकि ये एक सक्सेस है तो अब वो एक सक्सेस कहीं भी हो सकती है. रेलेवेंट नहीं है कि ऑर्डर, ऑर्डर इस केस में रेलेवेंट नहीं है. तो इस केस में जो ये काम एक सक्सेस वाला है वो NC1 वेज में होगा. अब जब वो NC1 वेव में होगा तो बाकी क्या बचा आपके पास. इसका मतलब ये है कि आपके पास सक्सेस एक जगह पे आएगी जिसकी प्रोबेबिलिटी थीटा है और बाकी आपके पास N-1 स्लॉट्स रहेंगे. वो जो N-1 स्लॉट्स है वहां पे फेलियर है, उस वजह से टास्क का जो एक जगह आपकी थीटा से फिल हुई और वन बाकी जो N-1 प्लेसेस है वो 1- थीटा से. तो इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी कि आपके पास एक हेड आएगा या एक सक्सेस आएगी, ये उसके लिए ये वैल्यू आ रही है NC1 times theta times 1 minus theta to the power n minus 1. अब इसी तरह से अगर आपके पास सक्सेसेस दो हो जाए, अब सक्सेसेस आपके पास अगर दो हो जाए तो इसका मतलब ये कि ये जो n प्लेसेस आपको फिल करनी थी इनको दो सक्सेसेस से आपने फिल करना है. कितने वेज में वो जो दो जगह है वो फिल हो सकती है,
जबकि ऑर्डर रेलिवेंट ना हो तो हम एन कॉम्बिनेशन टू, तो इस चीज को कवर करने के लिए लिखते हैं। फिर जब दो सक्सेसेस आपने डिटरमिन कर ली तो उसकी वजह से थीटा स्क्वायर लिख दिया हमने, क्योंकि आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, ध्यान में रखिएगा। और 1 - θ^2 ये आपने फेलियर्स की वजह से लिख लिया, और ये जो फॉर्मूला आप डेवलप करने का वही स्कीम है जो हमने पहले इन दो एग्जांपल्स में की है। और इसी तरह से अगर आपके पास सक्सेसेस का काउंट एक्स हो जाए, अब एक्स काउंट आप, अगर आपका काउंट सक्सेसेस का काउंट एक्स है तो पहले तो आपने ये देखना है वो एक्स, वो जो एक्स सक्सेसेस हैं वो किस ऑर्डर में आ सकते, तो एक्चुअली उनमें ऑर्डर रेलिवेंट नहीं है। तो अगेन जो सक्सेसेस क्या काउंट है उसको कंप्यूट करते हैं, हम लिखेंगे एमसीएक्स, और जब आपके पास ये इतने वेज में वो आपकी सक्सेसेस प्लेस की जा सकती हैं इन चॉइसेस में, और जब वो एक्स सक्सेसेस प्लेस हो जाए तो फिर वहां से आ जाएगा जो सक्सेसेस के लिए आ जाएगा थीटा विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टाइम्स एक्स एंड देन दिस 1 - θ एंड टाइम्स एन माइनस एक्स, क्योंकि ये आपके फेलियर्स का इंडिकेशन। ओके, अब ऐसा रैंडम वेरिएबल जो इस तरह से बिहेव कर रहा है, एक तो वो डिस्क्रीट है और अगर वो इसी पैटर्न पे चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि दिस इज माय बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। अब इसके लिए इसमें कुछ रेलेवेंट चीजें हैं, एक तो इसमें आप एन पहले से तय कर लेते हैं तो वो एन भी हम इंडिकेट करते हैं, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पहले से तय करके चलते हैं, उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थीटा लेके चल रहे हैं। अब कितनी प्रोबेबिलिटी आपको, मतलब क्या चाहिए आपको रैंडम वेरिएबल की, किस पॉसिबल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी आप देखना चाहते हैं, दैट इज दिस एक्स। तो ये आपके पास हो गया है एमसीएक्स टाइम्स थीटा टू द पावर एक्स टाइम्स 1 - θ टू द पावर एन माइनस एक्स। अब क्या ये वाकई इसकी सामने प्रोबेबिलिटीज 1 आता है, तो उसको जरा गौर कीजिए। मैंने किया ये कि सारे को ओपन अप कर लिया, दिस इज एन सी 0 टाइम्स थीटा टू द पावर 0 1 - θ टू द पावर एन, एन सी 1 थीटा टू द पावर एन 1 - θ टू द पावर एन माइनस 1, एन प्लस एन सी 2 टू द पावर 3 थीटा टू द पावर 2 टाइम्स 1 - θ टू द पावर एन माइनस 2 एंड सो ऑन, एन सी एन थीटा टू द पावर एन टाइम्स 1 - θ टू द पावर 0। अब जरा गौर कीजिए, तो ये जो कुछ मैंने लिखा है, और कीजिए अगर मैं ये लिख दूं थीटा प्लस 1 - θ टू द पावर एन और इसको मैं ओपन अप करूं तो यही चीज मिलेगी आपको। जब यही चीज बनती है तो इसका मतलब ये कि ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर, एंड दिस इज एक्चुअली थीटा प्लस 1 - θ, थीटा और थीटा कैंसिल, माइनस थीटा कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल बी हैविंग 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समेशन थी दिस इज गिविंग मी द वैल्यू 1, सो व्हिच इज अ प्रूफ दैट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एक कर रहे हैं हम ताकि आप यूज टू हूँ और फिर हम आगे इसी जैसी और कुछ प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम सिर्फ मीन वाली प्रॉपर्टी देखते हैं विच इज सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। ये इसका स्कीम बिल्कुल जैसे हमने ये भी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 वाला किया है, दिस इज वेरी क्लोज टू दैट। So this is x from 0 to n, x times ncx, theta to the power x times 1 - θ to the power n minus x. और जब आप x की values ये place करते हैं, so the first term you obtain is 0 times nc 0. तो अब ये पहली term आपकी हो जाएगी सारी की सारी 0. फिर जब x की value 1 आएगी, this is nc 1, that gives you n theta and 1 - θ to the power n minus 1. Plus 2 times nc 2 theta square 1 - θ to the power n minus 2, and this goes on, and last term will be n times nc n which is 1 theta to the power n 1 - θ to the power 0, and we go about that this from the thoda simplify kar liya, so this is n theta times 1 - θ to the power n minus 1, aur fir hum karna ye cha rahe hain ki isko open up karenge aur n theta ki ek term hai isko hum bahar leke jana cha rahe hain। तो ये जितनी भी आपकी कंप्यूटेशन है उसका पर्पस ये है कि इन सारी टर्म्स में एन थीटा वाली टर्म कॉमन है, उस एन थीटा वाली टर्म को कॉमन लेने के लिए हमने इन सारे को ओपन अप कर लिया। जब इस सारे को ओपन अप कर लिया तो बाकी हमें मिला जो 1 - θ टू द पावर एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स थीटा टाइम्स 1 - θ टू द पावर एन माइनस 2 एंड देन प्लस एन माइनस 1 times n minus 2 over 2 factorial theta square 1 minus theta to the power n minus 3 and so on plus theta to the power n minus 1,
इस सारे को अगर हम दोबारा से इसकी हम जस्ट इसको क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे हैं और हम दोबारा से फैक्टर वो जो कंबिनेशन फॉर्म है वो लेके आ रहे हैं, सो दिस 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस 1 प्लस दिस बिकम्स n माइनस 1 फैक्टर n माइनस 1 कॉम्बिनेशन 1, बाकी टर्म वैसे की वैसे आ गई, दिस होल थिंग दिस बिकम्स n माइनस 1 कॉम्बिनेशन 2 टाइम्स 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस 3 थीटा स्क्वायर एंड दिस गोज ऑन लाइक दिस टाइम्स थीटा प्लस थीटा टू द पावर n माइनस 1 n थीटा को आप बाहर ले गए एंड दिस बिकम्स 1 माइनस थीटा दिस होल थिंग ये जो सारे का सारा है दिस बिकम्स 1 माइनस थीटा प्लस थीटा होल टू द पावर n माइनस 1 जो पिछला हमने काम किया था उसमें होल टू द पावर n आया था इसमें n माइनस 1 आ गया so this whole thing becomes 1 and we are left with n theta so from here we concluded what we conclude is ye jo expectation hai na is binomial probability distribution ki that is n theta which is actually n is the number of trials you make and theta is the probability to iska matlab ye hai ki ek cheez humne deduce kar li ki expectation kya expectation ka matlab ki jo probability of success at times the number of times you make that experiment. तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, इसके अब आने वाले लेक्चर में फर्दर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा, हम कुछ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंप्लीट करेंगे बिफोर वी जंप टू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस. थैंक यू.